श्री ब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय। प्रहलाद मातृ गर्भे थाई नारद उपदेश पाई। जे मन्ते लभिलासे ज्ञान सप्तम अध्याय वर्णन। नारद वाच एवेहो सुन धर्मसुत असुर बालक चरित। से प्रहलाद दयामने कहे बालक सन्निधाने। प्रहलाद वाच एवेहो सुन दैत्यसुते जहाँ कहिवा तुम हिते। मोहर पिता तपर्थे गलाजे मंदर पर्वते। निश्चल तप तार देखी विबुधे गगन उपेखी। युद्ध उद्यम करिबळे मिलिले अवनि मंडले। हिरण्यकशिपु असुर स्वभावे पापी दुराचार। पिपीलिकारे सर्पजन्हे नासिलात्म पाप गुणे। ए रूपे तुच्छ मत करी विबुधे समरे उभारी। जेते असुर थिले पुरे देवंकु देखी महाडरे। निशस्त्र होई शस्त्राघाते संग्रामे भाजिले समस्ते। भये पशिले दश दिगे नमिली देवंकर आगे। गृह कलत्र पुत्र एड़ी सर्व संपद बेगे छाड़ी। जीवन घेनी पलाइले विबुधे नवरे पशिले। सर्व संपद जुर करी नेई चलिले स्वर्गपुरी। इंद्र पशिण आम्भपुरी मोर जननी नेले हरि। पथे चढ़ाई नंती बेगे पितार भये उद बेगे। मोर जननी अति भये चली न पारे गरु देहे। अनेक दुख गुरु सुखे कुररी प्राय कांदे दुखे। एमंते गले केते दूर कानने ब्रह्मांक कुमर। मोर जननी देखी पथे मिलिले इंद्रर अग्रते। बोलती इंद्र मुख चाही एक था उचित नुहई। निरपराधी तोहर यहा को छाड़ सुनाशिर। परर सुसती सुंदरी तु किं पाने बड़े धरी। एमंते नारद वचने इंद्र बोलई भय मने। असुर बीर्ज यहा गर्भे ये मोर वैर स्वभावे। जे पुत्र अच्छी गर्भे रही तार प्रताप केवा सही। स्वर्ग घेनिब ए मोहर यहा को मोर बड़ डर। ए नारी मोर पूरे थिव जावत गर्भ प्रसविव। गर्भ को मारी ताकू पुणी छाड़बी निज घरे आनी। एक था संकल्प मोहर कहले सुन मुनिवर। नारद वाच एहार गर्भे जे कुमार निष्पापी वैष्णव वर। अशेष गुणे गुणनिधि एहार देहे सर्वसिद्धि। कृष्णर ए निज सेवक एवे गर्भर तेज देख। तू कहीं एहा कुमारीबू एहार चरणे सेविब। प्रह्लाद वाच एक कथा मुनि मुख शुणी इंद्र जे मने मने गुणी। नारद वाक्ये सचिपति छाड़िला असुर जुवती। अत्यंत प्रिय भाव भरी माता को प्रदक्षिण करी। तक्षणे निज पुरे गला सुन हे असुरंक बला। मोर मातांको आग करी आश्वास करी ब्रह्मचारी। निज आश्रमे मुनि आनी मुखे सिंचिले शीत पाणी। बोलंती मधुर वचन तू एथे थाओ किछि दिन। जावत स्वामी तपुआसे तावत थाओ मोर पासे। मुनि वचने मोर माता छाड़िला मनु दुख चिंता। निर्भये मुनि पासे रही भर्ता गमे पथ चाही। परम भक्ति मुनि पादे मोर जननी अप्रमादे। सेवा करई निरंतरे सुख प्रसव उपकारे। मुनि चरण परसादे प्रसव हेव अप्रमादे। एमंत मने करे चिंता सुखे रहिला मोर माता। गृहे नारद ब्रह्मचारी मोर माता को दया करे। दिनकु दिन कहि ज्ञान आनंद करी माता मन। निर्मल धर्म तत्व जेते कहंती मातांक ग्रते। जेते कहिले महामुनि मुताहा गर्भे थाई सुनी। जननी स्वभावे अबला काले से ज्ञान पासरीला। नारद अनुग्रह मते ज्ञान रहिला मोर चिते। मोर वचने श्रद्धा कर ए ज्ञान होइब तुम्हर। मो परि ज्ञान प्रसरिब अविद्या बंध नाश जीव। स्वभावे मनुष्य शरीरे जन्मई ये षड विकारे। आत्मार नुह ये स्वभाव सुन कहिवा ज्ञान भाव। वृक्षर फल जेन्हे काले पाची पड़ई मही तले। षड विकारे नाश जाई शरीर स्वभावटी एहि। गर्भ शरीर जन्म होई बालक रूपेण बढ़ई। पौगंड किशोर तरुण जरंते लभई मरण। एषड विकारे शरीर आत्मा स्वभावे निर्विकार। नित्य वय सुध एक क्षेत्रज्ञ भावे सर्वसाक्ष्य। सर्व आश्रय सर्वव्यापी निष्क्रिय अनावृत रूपी। असंग हेतु बधन हे स्वप्न जाग्रत जेन्हे देहे। बुद्धिर धर्म प्रकाशई से पुनि ताको न लागई। वस्तु स्वभावे बद्धन हे अज्ञाने दिशे बद्ध प्राये। भूत भविष्य वर्तमाने वस्तु प्रकाशे भिन्ने भिन्ने। से पुनि रहे शेष होई पूर्ण सोहावे प्रकाश ए घेनी द्वादश प्रकार आत्मा लक्षण जानी नर मुहि मोहर बोली जेते मिथ्या स्वभाव ए जगते देहादि उपाधि विशेष मोहरु जात जेते अंश मूढ़ स्वभाव बेगे तेज मुकुंद पद्म पादे भज सुवर्णकार जिन्हे जड़े पाषाणु सुवर्ण धोइले घेनई अति जत्न करी एही प्रकारे ब्रह्मचारी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रुधरे आत्मा को लभे अभ्यंतरे। अष्ट प्रकृति तीन गुण षोडश प्रकार भिन्न आत्मा ए भावे विचार एते प्रकार भिन्न आत्मा ए भावे विचारे महात्मा एते प्रकारे देह जात स्थावर जंगमी विदित ए भावे जे जन विचारे माया समूह परिहरे अन्वय आर व्यतिरेके ज्ञान संचयी एके एके सृष्टि स्थिति जे प्रलयर कारण बुझी हेतु कर सुसुप्ति स्वप्न जागरण बुद्धिर एति निलक्षण जात हूँ अनुभव होए अध्यक्ष पुरुष से देहे आत्मा ये तिनी गुणे देहे पवने गंध प्राय रहे ये तिनी गुण निबंधने संसारे माया अनुमाने अज्ञान मूल ए अनर्थ स्वप्न जे सने निद्रागत आत्मार स्वप्न ए जगत जेणु ए त्रिगुणे निद्रित त्रिगुणात्मक कर्म बीजे अंकुरी समस्त उपजे ए बीज अनल संजोगे दहन कर जोग मार्गे अन्यथा सहस्र उपाये के साधी पारिबय देहे जे भावे कृष्णे होए रति भक्ति लक्षणे ताहा चिंती भक्ति लक्षणे गुरु सेव कृष्णे समर्पी सर्वलाभ। संग करिव साधुजन एणे ईश्वर आराधन से कृष्ण कथार श्रवणे श्रद्धा करिव अनुक्षणे कृष्णर जेते नाम गुण करिव श्रवण कीर्तन पदार बिंद ध्यान कर पूजिव देखी मूर्ति तार वंचिव वैष्णव मिले विष्णुर पाद पद्म तले सकल भूते भगवान अछंती बोली जानी पुण मन कर्म रे प्राणी सेव भावुक संगे कर भाव ए भक्ति जोग बले प्राणी ऐरी षड़ वर्ग जिनी विष्णु विषय लभे रति ए भावे संसारु तरंती एवे असुर पुत्रे सुन जेणे जीवर परित्राण कृष्णर जेते प्रिय कर्म जेवा अधिक गुण ग्राम लीला शरीरे जेते कला अनंत वीर्य गुण खेला से कथा शुणी कर्ण द्वारे पुलक जहार शरीरे आनंदे अश्रु जल बहे कंठ गदगदे वाणी कहे आनंदे गाए कृष्ण वाणी उच्चे कांदई ताहा शुणी नृत्य करई बेनी पादे हरसे डाके उचनादे भूत बेताल ग्रह गणे लागिले भोल हंती जेन्हे उन्मत होई भाव भोले हुंकार नादे कृष्ण बोले जनंकु कृष्ण पाए मणे नमोई ताहंक चरणे तुंडे बोलोई हरि हरि हे जगन्नाथ दयितारी हे नारायण जदुपति भव सागरु कररति करगति हृदय गोविंद नाम चिंती निर्लज प्राय वहे मति हेमंत भावे जेते बेले भजई कृष्ण पाद मूले अशेष कर्म बंध पाश कृष्ण स्मरणे होए नाश कृष्ण चरणे भाव करे अशेष बंध नुनिस्तरे कृष्ण भावने होए शुद्धि चेतना अहंकार बुद्धि हेमंत बाह्य अभ्यंतर निर्मले प्रकाशे शरीर कर्म वासना बीज बले जीव संचरे सयले कृष्ण भक्ति जुग बले प्रकाश प्रलय नले से अग्नि तेजे कर्म बीज तक्षणे हुई दहिज कर्म विनाशे जीव तरे निश्चिंते कृष्ण आश्रय करे कृष्ण आश्रय प्राणीकर शुभ अशुभ होए दूर ए शुभाशुभ चक्रे थाई प्राणी अशेष जन्म पाई संसार चक्र दृढ़ पाश हरि भजने होए नाश ए जीव बंधु मोक्ष होई ब्रह्म निर्वाणे पशे जाई पंडित जनंकर मत कृष्ण भजन ब्रह्म तत्व बालके मोर गोल कर बेलहु गोविंद सुमर हरिंकी भज दृढ़ मने कि दुख कृष्ण उपासने हरि अशेष प्राणी देहे क्षुद्र आकाश प्राय रहे आत्मार सखा पद्मनाभ अन्य भजने तिवा लाभ देख ए धन द्वारा सुत पशु कुंजर गृह क्षेत्र नाना संपद अर्थ काम क्षण भंगुर जे मान स्वप्नर प्राय मिथ्या हंती जीव को किवाए करती संपद अनुभव निश्चल जेसने समुद्र उल्लल एहा न जानी मूढ़ जने ए माया निगम वचने यज्ञ आरंभे करे कर्म श्रुति संकुले होए भ्रम से यज्ञ फल बेनी लोके आवरी भुंजे के कर्म सरिले पुणी बले भ्रम ये माया सयले अनंत कृत कर्म फल केवे नुहय निर्मल ए कर्म दूरे परिहर आत्मा को मायारु धर अंतरे आत्म सुख लाभे कृष्ण चरण चिंत भावे जे अर्थे कर्म इहलोके करई प्राणी एके एके से कर्म जेबे हरि पादे अर्पई नाही से आनंदे निमिषे हरि को न भावे से विपरीत फल लभे दुख विनाशे सुख अर्थे प्राणी भ्रमई जगते वांछिते दुख भुंजे नित्ये सुखे वंचई अवांछिते अशेष काम भोग अर्थे कर्म करई प्राणी नित्ये से फल परं कर पाई मिलई अवान मिलई जे देह पाई कर्म मन करई ताकू भखे स्वान इदारा सुता गृह धन राज्य भंडार भृत्य जन ममता ब्रूते थांती दिशंती पुणी न दिशंती इतुच्छ प्राय देह तुले सर्वे न सन्ति अंत काले अनर्थ अर्थ प्राय मणि माया समूहे सर्व प्राणी एघेनी आनंद सागरे चित्त मजाओ निरंतरे देह धारणे एते लाभ असुर मति छाड़ी भाव देख ए शरीर धारण जन्म हूँ जाव तम रण ए मध्य अशेष उपाय जीवर क्लेश मात्र होए कर्म संजोगे देह वही निरते कर्म ही संचयी जन्म मरण कर्म फले भुंजई अविवेक बले एघेनी धर्म अर्थ काम एतिनी जीवर जे भ्रम एने भ्रमई निरंतरे क्षणे न रहे सुखे घरे एनु संशय दूर करी अंतरे भज नर हरि आत्मार प्रिय जे ईश्वर चित्त निर्मले आश्रय कर ए सूक्ष्म भूत महाभूते जन्म कराए स्वायत्ते संयोगे शरीर प्रकाशे कर्म सरिले प्राणी नसे देव सुर नर जेवे यक्ष गंधर्व भक्ति भावे भजन्ति मुकुंद चरण से जन्म परम कारण विप्र देवता ऋषि होई जेवे कृष्ण को न भजये अनेक विद्यावाद करे सुवृत्ति कर्मे दिन हरे अनेक दान तपसाधि अष्टांग योग कर्म विधि यज्ञ शौच व्रत जेते नाना उपाय जगते अज्ञान विडंबन एहि एणे गोविंद न पाए निर्मल भक्ति अंतर्गते जेवा भजई अविरते तेबे लभई भगवान अन्यथा सर्व विडंबन। एणु गोविंद पादे भज असुर बुद्धि दूरे तेज से आत्मा सुबुद्धि विवेक आत्मा समाने सर्व देख सकल घटे एका हरि सूक्ष्म स्वरूपे छंती पूरी ए भाव जानी ए सयले अनेक प्राणी निस्तरिले असुर यक्ष रक्षगण स्त्री गोपाल शूद्रजन मृग पतंग पापी जीवे सर्वे तरिले कृष्ण भावे ए जीव लोके दुर्लभ एकांत चित्ते हरि भाव ज्ञान लोचने सर्व देख आत्मा को आत्मा भावे रख भणई विप्र जगन्नाथ जननी स्तारे भागवत सप्तम स्कंदे हरिलीला ए भव समुद्र कुभेला असुर पुत्रं कर आगे से प्रहलाद अनुरागे जेते कहिले हरिवाणी सुजने तर एहा सुनि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या सहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्।